अमरनाथ डिग्री कॉलेज में आयोजित आजाद हिंद नाट्य नहीं अपितु एक जीवन विचार था, जिसमें भारत की आजादी की क्रांति का वो सचित्र वर्णन देखने को मिला जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें समस्त छात्राओं एवं दर्शकों ने देशभक्ति की भावना जागृत हो उठी मानो हम उस समय की क्रांति का एक सजग हिस्सा हो रहे हों। अमरनाथ डिग्री कॉलेज के मातृ कृपा हॉल में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, लाला लाजपत राय को नाट्य के माध्यम से ऐसा दर्शाया गया कि मानो उसी काल के खंड में रहकर हम उसे जीवित देख रहे हों। यह नाटक बड़े ही शोध के बाद, कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद बनाया गया। इसमें उन समस्त महापुरुषों के गांव की मिट्टी के साथ रंगमंच पर दर्शाया गया। सबसे बड़ी बात, क्रांति के उस समय की एक मुख्य क्रांतिकारी रश्मि एवं पंकज भाई बहन, जिसका इतिहास में कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है, उनकी वीरता हमेशा अमर रहेगी को दर्शाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माड विधानसभा के विधायक राजेश चौधरी, डॉक्टर संजय महाविद्या के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार वाजपेयी मौजूद रहे। राजेश चौधरी ने अपने विद्यार्थी काल में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले दल में शामिल थे। उन्होंने इस नाटक को देखने के उपरांत बताया कि मानो आजादी की जीती जागती कहानी को हम उन्हें सीधे दिखा रहे हैं। इस मौके पर व्हाइट फ्रेम थिएटर मथुरा के डायरेक्टर मनोज राठौर एवं नाट्य किरण मंच के मुंबई के डायरेक्टर देव फौजदार की अहम भूमिका रही। ये लोग हमारी संस्कृति इतिहास को शोध करने के बाद आम जनमानस तक पहुंच रहे हैं। अतः प्राचार्य अनिल वाजपेयी द्वारा सभी समस्त कलाकारों एवं उनके दल का पटका पहनाकर एवं भेंट देकर अपना आशीर्वाद दिया।